ऐसे ही इसे नहीं कहते सबसे बड़ी राइवलरी। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टेस्ट मुकाबला हो तो उसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी। और वो प्रतिद्वंद्विता वर्तमान टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिला है। जिस ऑस्ट्रेलिया को पहले दो टेस्ट मैच में बुरी तरह हारने के बाद दुनिया बिल्कुल अलग करके चल रही थी, बिल्कुल चुका हुआ मान रही थी, उस ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंदौर में वापसी की है, और क्या जबरदस्त वापसी की है। पलटवार करते हुए भारतीय टीम को उसी के स्पिन जाल में फंसाते हुए पराजित किया और 9 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की। और श्रृंखला अब भारत के पक्ष में 2-1 से है, और उसका चौथा टेस्ट मैच अभी खेला जाना बाकी है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक अवसर है कि वो इस सीरीज को बराबरी पर समाप्त करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय टीम पहले दो टेस्ट मैच में बिल्कुल अपराजेय दिख रही थी, उसे तीसरे टेस्ट मैच में हो क्या गया? क्यों हारी भारतीय टीम? कहां चूकी भारतीय टीम? आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बदला तो उसकी किस्मत भी बदल गई। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 10 ओवर के बाद गेंद बदली गई और वहां से पूरा मैच बदल गया, और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 9 विकेट की बड़ी जीत दर्ज करके श्रृंखला को 2-1 के स्कोर पर ला दिया है। कमाल का प्रदर्शन टीम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, दूसरी तरफ भारतीय टीम इस परिणाम से निराश होगी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो जाने का उसका इरादा है वो अब थोड़ी देर के लिए रुक तो जरूर गया है, और अब फाइनल में प्रवेश पाने के लिए उसे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में अहमदाबाद में जीत दर्ज करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह आरक्षित करा ली है। अगर हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो पहली पारी में ही भारत ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसी ने मैच के परिणाम की ओर इंडिकेट कर दिया था कि क्या परिणाम आने वाला है। जब आप सिर्फ 109 रन पर आउट हो जाते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए तो फिर आपके लिए मैच में वापसी मुश्किल होती है, और यही हुआ भी। ऑस्ट्रेलिया ने 88 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की, और फिर दूसरी पारी में जब भारतीय टीम के पास वापसी का एक मौका था और जब चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि भारतीय टीम लीड ले सकती है एक अच्छी खासी, कम से कम इस पिच पर 150 की भी लीड होती तो कुछ हो सकता था। लेकिन दोनों का जो कैच लपका गया, चाहे आप चेतेश्वर पुजारा के कैच की बात कर लें या श्रेयस अय्यर के कैच की बात कर लें, उसने पूरे मैच के परिणाम को तय कर दिया। इसलिए कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और वो दो कैच बहुत फर्क डाल गया इस टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन चाहिए थे, और भारत को क्या चाहिए थे तीसरे दिन? कि वो जल्दी जल्दी विकेट्स ले। ये बात मैंने दूसरे दिन खेल समाप्ति के बाद जब आपसे बातचीत की थी उस वक्त भी कही थी कि अगर तीसरे दिन भारत को जीत चाहिए, किसी करिश्मा के इंतजार में अगर वो है, तो शुरुआती कुछ ओवरों में उसे विकेट्स निकालने होंगे, और ये विकेट केवल नहीं होना चाहिए, विकेट्स होना चाहिए, मतलब गुच्छे में विकेट आने चाहिए। जब तीसरे दिन खेल शुरू हुआ तो पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया तो लगा कि शायद करिश्मा होगा, लेकिन इसके बाद जो विकेट्स आने चाहिए थे वो विकेट नहीं आए और भारतीय टीम यही मुकाबला हार गई। अगर तीसरे दिन के पहले 10 ओवर्स की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 13 रन बनाए थे और वहां पर गेंद बदली गई, उसमें कुछ खराबी जो भी थी, और वो गेंद क्या बदली, पूरा मैच का पासा पलट गया। जो ऑस्ट्रेलिया पहले 10 ओवरों में बिल्कुल दबाव में दिख रही थी, गेंद बदलते ही उसने अपना गियर बदल लिया और काफी आक्रामक हो गई। और जब भी आप छोटे स्कोर को चेज कर रहे होते हैं तो यही बेस्ट तरीका होता है। गेंद बदलने के दौरान जो वक्त था उसी समय पवेलियन से मैसेज आता है दोनों बल्लेबाजों को, और उसके बाद उनके खेलने का
तरीका बदल जाता है। दूसरी तरफ जो गेंद बदली जाती है उससे अश्विन बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखते, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने काउंटर अटैक किया ट्रेविस हेड और लाबुसेन ने, और उसका जवाब भारतीय स्पिनर्स के पास नहीं था और ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट की जीत दर्ज कर ली। अब सवाल उठता है कि भारतीय टीम क्यों हारी। मुझे एक बात अच्छी लगी रोहित शर्मा की कि उन्होंने प्रेजेंटेशन में पिच का कोई बहाना नहीं बनाया कि पिच खराब थी, क्योंकि देखिए मैं हमेशा मानता हूं पिच अच्छी हो खराब हो दोनों टीम के लिए होती है, और खास करके इस तरह की पिच पर तो इंडियन टीम बहाने बना भी नहीं सकती क्योंकि ये स्पिनर्स की मददगार थी। और दुनिया मानती है और हम भी मानते हैं कि इंडियन स्पिनर्स बाकी देशों के स्पिनर्स से बेहतर हैं, तो पिच आपके फायदे की होनी चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि इंडियन बैटर्स बाकी की दुनिया के बैटर्स की तुलना में स्पिन को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो भी पिच आपके ही लायक थी। लेकिन यहां हुआ उल्टा, कंगारू स्पिनर्स ने इंडियन स्पिनर्स से ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने टप्पे पर गेंद को रखा और बाकी चीजें पिच के हवाले कर दी। और जब पिच इस तरह की स्पिन ले रही हो तो विशेषज्ञ कहते भी हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ गेंद को टप्पे पे डालिए, सही लाइन सही लेंथ पर डालिए और बाकी काम पिच को करने दीजिए। यही काम ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने की, खास करके दूसरे इनिंग में आप नाथन लियोन की गेंदबाजी देखें या कोहनेमन को देखें, टॉड बर्फी को देखें, तो इन्होंने वही किया, टप्पे पर गेंद डाला, जबकि इंडियन स्पिनर्स कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास कर रहे थे। और इसकी वजह भी थी क्योंकि इंडियन बैटर्स ने इतने स्कोर ही नहीं दिए थे इंडियन स्पिनर्स को कि वो खुलकर गेंदबाजी कर सकें। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ करना होगा कंगारू टीम को जल्दी आउट करने के लिए। तो अगर तीसरे टेस्ट में पराजय की असली वजह हम देखें तो उसके जिम्मेदार इंडियन बैटर्स हैं। और ये एक ट्रेंड हो गया है, अगर आप पिछले 2-3 साल के टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो जहां अच्छी शुरुआत मिल जाती है या तो इंडियन ओपनर्स ने स्कोर दे दिया अगर अच्छा तब ठीक है, और नहीं तो पूरा जो हमारा ध्यान होता है वो टेलेंडर्स के ऊपर निर्भर करता है। रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल अब आ गए हैं, रविंद्र जडेजा, इनके स्कोर के सहारे हम जीतते हैं। ऋषभ पंत टीम में नहीं है, उसका भी नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ रहा है कि वो जो काउंटर अटैक करते थे वो मिसिंग है इस टीम में। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि तीसरे टेस्ट मैच में ना ओपनर्स चले, मतलब रोहित शर्मा नहीं चले, तो मध्यक्रम तो ऐसे भी आपका अच्छा नहीं खेल रहा है पिछले काफी समय से, और तीसरे टेस्ट मैच में टेलेंडर्स के बल्ले से भी रन नहीं निकले, तो इसका नुकसान भी भारतीय टीम को उठाना पड़ा। और यही वजह है कि दोनों ही पारी में, पहली पारी में सिर्फ 109 रनों पर टीम आउट हो गई और दूसरी पारी में 163 पे। तो ये हार की बड़ी वजह रही। अगर टेस्ट मैचेस में आप एक बार भी 200 का आंकड़ा पार नहीं करते आपकी टीम, तो फिर आप जीत के हकदार नहीं है। और क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियाई टीम को, उनके कितना मुश्किल वक्त था उनके लिए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम नहीं है, देखिए कितनी परेशानी थी, पैट कमिंस वापस जा चुके थे, पहले 2 टेस्ट मैच हार के उनका हौसला पूरी तरह से टूटा हुआ था, मनोबल गिरा हुआ था, और वहां से वापसी। स्टीव स्मिथ की तारीफ करनी होगी, उन्होंने टीम की कप्तानी शानदार तरीके से की और मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि भारत में उन्हें कप्तानी करना पसंद है क्योंकि वो यहां की परिस्थितियों को समझते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। इसके अलावा मिचेल स्टार्क टीम में आए, कैमरन ग्रीन आए। देखिए जब नए खिलाड़ी आते हैं जो उस हार के हिस्सा नहीं होते हैं, तो वो उस जो मेंटल जो एक आपके ऊपर प्रेशर बनता है उस प्रेशर को नहीं झेले होते हैं, वो फ्रेश माइंड के साथ आते हैं, वो चीजें भी आपके काम आती हैं। इसके अलावा एक चीज है जिस पर मैं कहना चाहूंगा कि अक्षर पटेल को भी अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा क्योंकि वो तीसरे स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं और हम उन्हें एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखना चाहेंगे क्योंकि वो 9 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हार होता है तो उसकी कोई वजह होती है, यहां कई वजहें हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम हारी।
लेकिन कोई बात नहीं, एक आध टेस्ट मैच आपका खराब जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया वापसी करेगी और सीरीज में जो है वो 3-1 से जीत दर्ज करेगी। अगर वो जीतती है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलने की अर्हता भी हासिल कर लेगी। चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। जो कुछ भी होगा वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।